अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह के फजल व करम से और आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और व्लॉग इस तरीके से है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ों की विजिट नहीं कराऊंगी, बस एक ही चीज़ की विजिट कराऊंगी, वो है वंडर पार्क। जो कि हम लोग गए थे तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप भाई वंडर पार्क गए हैं तो आप लोगों ने वहाँ की कोई व्यू नहीं रखा, कोई वीडियो नहीं निकाली। तो हमने कहा वीडियो तो निकाली और आप लोगों को नॉलेज भी देंगे किस तरीके से कैसे जाना है। मैं आप लोगों को सब बताऊँगी इंशाल्लाह और इसके व्यूज़ देख लीजिए कितने प्यारे मंजर आप लोगों के सामने आएंगे। अब इतनी चारों तरफ से ये पहाड़ में पूरा घिरा हुआ है और इतना खूबसूरत मंजर था ना रेली। हम पता नहीं कितनी बार इस रोड से निकलती हूँ मैं और जब भी इस रोड से निकलते हैं ना तभी मेरा दिल खुश हो जाता है कि वाह जी वाह, क्या चीज़ अल्लाह ने बनाई है। कुदरत परवरदिगार की इतनी बड़ी है कि उसके लिए जितनी तारीफें करें उतना कम है। अल्लाह ने इतनी खूबसूरती अपनी हर चीज़ में उसने अपनी कुदरत रखी है। भले आप उसके पेड़ देख लें, पहाड़ देख लें और रोड देख लें, कुछ भी देख लें, आपको अल्लाह की खूबसूरती हर चीज़ में नज़र आएगी। क्या प्यारी शान है मेरे परवरदिगार की। तो आप ये चीज़ देखें, ये देखें, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग खुद देखें और तारीफ़ करें और अल्लाह की हमद सना करें कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर इस दुनिया में भेजा है। इबादत भी करनी चाहिए अल्लाह की और अल्लाह की तारीफ़ भी करनी चाहिए, तभी इंसान भरपूर तरीके से ज़िंदगी जी पाता है। तो चलें, बातों बातों में हम लोग आ चुके थे पार्क। ये है जी वंडर पार्क। मैं यहाँ पर ना आप लोगों से एक चीज़ की माजरत चाहती हूँ और सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं ना मेन गेट का वीडियो ले ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे ना एकदम से, मैं फर्स्ट टाइम मैंने विजिट करा, इतनी भीड़ थी कि मेरी समझ नहीं आया। मैंने कहा चलो मैं आपको वापसी में दिखाती हूँ वो गेट कैसा है, कहाँ से टिकट लेना है। एक चीज़ इसमें बता दूँ आपको कि बाहर का फूड बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप चाहें कि हम बाहर का फूड लाके हम यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, पार्टी मना सकते हैं, तो जी वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये लोग बहुत सफाई का ख्याल रखते हैं, नीट एंड क्लीन रहता है, गंदगी आपको नहीं मिलेगी। इसकी एक ही पॉइंट है कि आप बाहर का फूड नहीं यहाँ पर अलाउ है। इनका फूड कोर्ट है, वहाँ जाकर आप खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं किया था क्योंकि मुझे यहाँ पर इडली डोसा नहीं खाना था। मुझे यहाँ से लोनावला निकलना था, तो लोनावला निकलना था, तो मुझे यहाँ से मैंने सोचा कि अभी से पेट भर के क्या करेंगे, अभी तो पेट फिल है तो पूरा का पूरा हम बाद में खाते। तो बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया था, बच्चे अपनी चीज़ें मतलब लेके गए थे, मेरा बेटा तो लेके गया था, उसको बबल का बहुत शौक है तो उसने अपना ये सामान रख लिया था। और मैंने बैडमिंटन खेला, मुझे बहुत अच्छा लगा बैडमिंटन खेल के। भाई इतने दिन बाद, महीनों सालों नहीं यार, सालों से साल मिला लीजिए तब जाके इस बार हाथ आया वो बैडमिंटन। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से हम लोगों ने इन्जॉय किया और दो तीन फैमिलीज और थी तो उन लोगों के बच्चे भी मिल गए थे यहाँ पर, अच्छे से बच्चे इन्जॉय कर रहे थे। और मेरा बैग आप लोगों को अच्छे से नज़र आ गया होगा, मुझे पता नहीं क्यों इतना प्यारा लग रहा था, मैंने उसको ग्रास में रख दिया। और देखिए फिर से मेरे सामने आ गया, पता नहीं क्यों मुझे इतना प्यारा सा लग रहा था। मैंने कहा आज इसकी वीडियो ले जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों ले रही हूँ पर मैं ले रही हूँ। आप भी मेरे साथ देखिए मेरा बैग कितना खूबसूरत सा लगता है मुझे। देखिए अलग से भी ले लिया उसको मैंने, मतलब हर तरीके से, हर एंगल से उसको लेने की मैंने कोशिश करी है। और होता ना कभी कोई चीज़ आपको दिल को अच्छी लग जाए तो पता नहीं क्यों हम उसको अकेले में भी देखते हैं और सबके सामने भी देखते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में सबके। तो ये है, हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए थे, यहाँ होने वाला था फाउंटेन शो। तो इन लोगों ने स्टेयर्स बना रखी थी, सर्किल है बीच में, बच्चे अभी खेल रहे हैं। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो ये स्टेयर बना रखी है और जितनी जल्दी आप यहाँ पर आ जाओगे ना, शाम होते ही जैसे लाइटिंग वगैरह इनकी जलें तो आप फ़ौरन आप आ जाओ, इनकी ऑन होती आप आ जाएंगे तो आपको सीट आराम से मिल जाएगी। वरना इतनी भीड़, इतना रश होता है ना, इतना रश होता है यहाँ पर, ओ माय गॉड, आपको सीट तो मिलेगी नहीं, खड़े होके थक जाओगे आप, कितना इंसान देखेगा खड़े होके ये सब चीज़ें। तो आपको अगर अच्छे से इंजॉय करना है तो सीट रिजर्व कर लें और आराम से इंजॉय कर सकते हैं। इन लोगों का शो अच्छा होता है और मैंने यहाँ पर इसलिए, इनके म्यूज़िक बहुत लाउड थे, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे थे, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाई कॉपीराइट आ जाता तो मेरी तो वीडियो आप देख नहीं पाते, फिर तो पब्लिशिंग नहीं हो पाती, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। फिर मैंने अपना म्यूज़िक ऐड किया है, आगे चल के दिखाऊंगी मैं आपको इसमें।
और बहुत अच्छे से इन लोगों ने इसको फाउंटेन शो करते हैं, बच्चे यहाँ पर एंजॉय करते हैं और बड़े यहाँ पर डांस कर रहे थे। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बड़े भी बहुत एंजॉय करते हैं और बच्चे भी एंजॉय करते हैं। मेरा मानना तो यह है ना कि आप लोग अपने बिजी शेड्यूल्स में से ना कुछ टाइम निकाला करें। कुछ मेरी जो सिस्टर्स हैं ना, जो घर में हमेशा काम करती रहती हैं, उनको सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, उसके बाद डिनर, ये होता है हम लोगों का काम। मैंने माना ये हम लोगों की एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके बिना हम लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, अल्लाह भी इसी चीज़ से खुश रहते हैं, लेकिन आप अपने लिए टाइम निकालेंगी तो आप लोगों का माइंड फ्रेश रहेगा। जब घर की लेडी अच्छी रहेगी, मीन्स कि उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो दिमाग से फ्रेश रहेंगी, तभी तो अपनी फैमिली को अच्छे से बना पाएंगी। तो हमेशा याद रखें कि अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि आप भी किसी ज़माने में बच्चे थे। आप भी अब आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चों के भी बच्चे आएंगे, तो उन लोगों को भी हमें अच्छे से देखना है। तो अपने अपनी हेल्थ अच्छे से ख्याल रखिए। मेरा मतलब मेरा कहने का यही मकसद है कि जो मेरी सिस्टर्स इस व्लॉग को देख रही हैं, अपने लिए टाइम निकाला करें, घूमा करें। मैं हमेशा यही बोलती हूँ अपने व्लॉग में कि अपने लिए टाइम निकाला करें, घूमा करें। जब हम लोग घूमेंगे तो हम लोगों का माइंड फ्रेश होगा, तीन चार लोगों से और मुलाकातें होंगी। जब दुआ सलाम होने लगती हैं लोगों से, तो हम लोगों के दिमागों में लगता है कि देखिए हम ही नहीं निकलते, बाकी सब लोग भी निकलते हैं, सभी लोग इंजॉय करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं और पर्दे में रहते भी हैं। तो हर चीज़ कर सकते हैं, तो अपने आप को खुश नहीं रख सकते? अपने आप को खुश रखने का सबसे पहला हक तो हमारा ही बनता है। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ये बोलते हैं कि आप लोग अपनी मदद खुद नहीं करोगे तो मैं अल्लाह तो नहीं आएंगे ना। आपको पता है ना कि अल्लाह नहीं आ सकते नीचे। तो अल्लाह पाक ने अल्लाह ने इतना अच्छा दिमाग दिया है इंसान को, इंसान को इतनी बेहतरीन मखलूक बना के इस दुनिया में पैदा किया है, तो इसका आप फ़ायदा उठाएं और इंजॉय करें अपनी लाइफ को। थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ घूमा फिरा करें। पार्क से ही रिलेटेड नहीं है, कहीं पर भी आप जा सकते हो, कहीं पर भी आप घूम सकते हो। और जो लोग घूमते, ज़्यादा नहीं घूमना, मतलब लिमिट में घूमें, और जो लोग घूमते फिरते रहते हैं ना, उनके दिमाग में और आप लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो लोग बहुत ही अलग तरीके की बातें करते हैं, और हम लोग आज उस रिश्तेदार ने ऐसा कह दिया, आज उस रिश्तेदार ने ऐसा कह दिया, आज उस फ्रेंड ने ऐसा कह दिया, तो इन सब चीज़ों से इंसान निकल सकता है। अपनी हेल्प खुद कीजिए, दूसरों की बातों में बिल्कुल मत आइए। मेरा एक छोटा सा मैसेज हमेशा यही रहता है कि दुनिया की सुनते सुनते ये वक्त आ गया, अब उस चीज़ को रखिए साइड में और अपने लिए टाइम निकालें और घूमें फिरें। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इन लोगों ने शो बनाया था, वाकई में अच्छा लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और जब भी आएँ तो आप दिसंबर और जनवरी के महीने में आएँ, यहाँ पर मंथ में आएंगे तो आप लोगों को थोड़ी ठंडक मिलेगी, कम गर्मी मिलेगी यहाँ पर। और बाई कार भी आ सकते हैं, बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, लोकल ट्रेन चलती है यहाँ पर जो मुंबई में रहते हैं। और जो मुंबई से बाहर होंगे तो ऑब्वियसली जब आप अपने रिलेटिव के साथ आएंगे तो आप बाई कार आएंगे या बाई ट्रेन आएंगे, तो उन लोगों को पता होगा सब कुछ। तो ये 1.5 घंटे का सफ़र है, नवी मुंबई में ये पार्क है यहाँ पर, और इन्जॉय कर सकते हैं। ये देखो कितनी ऊपर तक जा रहा है ये, मैं तो ऊपर तक ले पूरा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। बहुत अच्छा इन लोगों ने कलरफुल दिया, कलर देखिए कितने खूबसूरत और कितने मस्त हैं एकदम, कभी रेड तो कभी ग्रीन कभी येलो। और यहाँ पर जो म्यूज़िक था उसमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, तो अब आप भी देखिए म्यूज़िक के साथ।
खूबसूरत कलर के साथ इन लोगों ने यहाँ पर इसका शो रखा था। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर यह थी कि बंदा एक ही कलर देख देख कर बोर नहीं होगा, उसको काफी अच्छे से कलर देखने को मिल जाएंगे, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी येलो, कभी पर्पल, कभी लाइट ग्रीन, कभी कुछ कभी कुछ। तो बहुत मल्टी कलर्स की फाउंटेन की मस्तियां और ये लाइटिंग कर करके इन्होंने पीछे से बैक लाइट दिखा रहे थे, उस तरीके से ये शो चल रहा था। शो खत्म होते ही तो भीड़ अपनी घर की तरफ चल दी और हम लोगों को जाना था भी लोनावला, तो हम लोग तो उधर साइड चल दिए। और फिर हम लोगों को थोड़ी बहुत लकी थी, हल्की सी भूख थी, लेकिन हम फूड कोर्ट की तरफ गए ना, वहां जाकर देखा तो बिल्कुल वही दिल ही नहीं जाया, क्योंकि वही सब बहुत हैवी मसाले वाला था। तो हम वापस से बाहर निकल आए, हमने कहा चलो बाहर निकल आते हैं और जल्दी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ऐसे तकरीबन 7 बज रहे थे। ये बाहर का गेट है जो मैंने आपको दिन में नहीं दिखाया था, यहाँ लिखा हुआ है वंडर पार्क, ठीक है ना, ये जो सर्किल बना हुआ है इधर साइड जो रेड रेड लाइन से लिखा हुआ है वंडर पार्क लिखा हुआ है, और काफ़ी स्पेस है इसके आगे ताकि लोग अपनी लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं टिकट लेने के लिए। टिकट ओनली 30 रुपीज़, बहुत ही सस्ता टिकट है, बहुत ही मतलब अच्छा पार्क है, आप बच्चों को इंजॉय करवा सकते हैं। पार्किंग भी इन लोगों की बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है यहाँ पे पार्किंग की, क्योंकि जो कि पार्किंग आसानी से नहीं मिलती किसी भी जगह, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं इसको, और काफ़ी देर रुकते भी हैं, क्योंकि 5-10 मिनट में तो कोई पार्क में आके चला नहीं जाएगा, वो अपनी गाड़ी बंदा रखेगा और अपना जब सेफली वो खड़ा होगा तभी वो आगे चलेगा, तभी वो अच्छे से इंजॉय कर सकेगा। तो फिर अगर आप लोगों को यहाँ पर आना है तो आप लोगों के पास दोनों तरीके से हैं, तो आप आ सकते हो कार से, अपनी गाड़ी से, बाइक से, ट्रेन से, जिससे जाओ मन जाओ आ जाओ और इन्जॉय करो और अपने घर वापस आराम से चले जाओ। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी कुकिंग वीडियोस भी अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आपसे मेरी बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। अगर आप लोग वीडियो वॉच करेंगे फुल तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मुझे अच्छा भी लगेगा कि भाई जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा मतलब लोगों को पसंद आ रहा है, और जब आप लोगों को पसंद नहीं आएगा तो मेरा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपना बहुत सारा टाइम लगाती हूँ इसमें और मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना, लेकिन सब लोगों ने बोला कि व्लॉगिंग भी करो, कुकिंग ही देखकर इंसान बोर हो जाता है, तब मैंने सोचा चलो ठीक है मैं व्लॉगिंग भी कर दूंगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये व्लॉग लाना शुरू करे, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ये व्लॉग और आने वाले व्लॉग पसंद आएंगे, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत अच्छी सी या तो कुकिंग के साथ या फिर एक नए व्लॉग के साथ, जब तक अपना रखेंगे आप बहुत सारा ख्याल और मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे मुझे सब्सक्राइब करना, प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, बाय बाय।